Hello everyone, hope you all are doing absolutely well. So in this particular video, I am going to give you a complete roadmap for NEET 2024. Okay, be you are a dropper, be you are a fresher, it doesn't matter. ये वीडियो सभी के लिए है. So make sure to listen very 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 carefully. और एक चीज देखो, ये कोई एक सिंगल वीडियो नहीं है. This is going to be a complete series. So टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन ताकि कोई भी अपडेट, कोई भी वीडियो मिस ना हो. ओके, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले, राइट. सो तो बेसिक्स के फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे, उसके बाद धीरे 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 करके हम डेप्थ में घुसेंगे, राइट. तुम्हारे पास है तीन सब्जेक्ट, बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. ठीक है, बायो कवर करता है 50% ऑफ योर नीट पेपर, फिजिक्स 25%, केमिस्ट्री 25%. यहाँ पे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट्स का, दे इग्नोर बायो इन फियर ऑफ फिजिक्स बोलो या केमिस्ट्री. ठीक है, विच मैक्सिमम एस्पिरेंट्स टू. तुम इस साल नोटिस करना, बहुत सारे लोग सेम चीज़ किए हो, राइट. सो बायो के अंदर तुमको टारगेट रखना है कि 360 में से हमको 360 ही लेके आना है ताकि उस साइड का जो बोझ है वो कम हो जाए. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बायो का सिलेबस क्या है. देयर आर टोटल 38 चैप्टर्स इन बायो. क्लास 12 का है तुम्हारा 16 चैप्टर्स, क्लास 11 का है तुम्हारा 22 चैप्टर्स. फॉर द फिजिक्स अगर हम बात करें तो टोटल 28 चैप्टर्स है, क्लास 11th एंड 12th मिला के, राइट. एंड फॉर द केमिस्ट्री अराउंड 29 to 30 चैप्टर्स है, क्लास 11th और 12th को मिला के, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्रिंट आउट लेकर रख दो तुम्हारे पास कितना चैप्टर्स है लिस्ट का, एंड उधर एक साइड कॉलम जो है उसको ब्लैंक रखना ताकि वहाँ पे तुम टिक कर सको कितना बार तुम्हारा रिवाइज हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है. ओके, तो बायो के अंदर कौन कौन से बुक्स फॉलो करना है, फिजिक्स के अंदर कौन कौन से बुक्स फॉलो करना है, सेम फॉर दी केमिस्ट्री, उसके ऊपर बात करते हैं. ओके, तो फॉर दी बायो एनसीईआरटी के अलावा तुमको कुछ भी नहीं करना है फॉर दी थियोरी. ठीक है, फॉर दी थियोरी एनसीईआरटी के अलावा तुमको और कोई भी चीज़ नहीं करना है. ठीक है, एनसीईआरटी में जो चीज़ है दैट इज मोर देन एनफ. ओके, उसके साथ तुमको क्या चाहिए, एक एमसीक्यू चाहिए अच्छा खासा, जहाँ से सब कुछ कवर अप हो पाए. ओके, इफ़ यू वांट दी ऑफलाइन मटेरियल बुक्स, यू कैन गो फॉर एनी बुक लाइक बोलो एनसीईआरटी फिंगर टिप्स बोलो, अरिहंत बोलो. ठीक है, कोई भी पब्लिशर का जो फेमस है तुम ले सकते हो. ठीक है, वहाँ पे एररलेस है वो, ठीक है, कर सकते हो. लेकिन इफ़ यू वांट ऑनलाइन मटेरियल, ठीक है, वी हैव लॉन्च्ड दी गेम चेंजर फॉर नीट 2023. वो अपडेट हुआ है फॉर दी नीट 2024. नीचे मैं लिंक डाल दूंगा, जाके चेक कर लेना. गेम चेंजर बायो क्या है क्या नहीं है नहीं बताऊंगा इस वीडियो में, उसके लिए सेपरेट वीडियो आएगा. तुम प्रीवियस वीडियो भी जाके चेक कर सकते हो, उधर तुमको पता चल जाएगा. सिर्फ मैं तुमको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एनसीईआरटी में जो जो चीज़ है, हर एक लाइन जो है वहाँ का एमसीक्यू गेम चेंजर के अंदर दिया हुआ है. ठीक है, सिर्फ मैं तुमको ये चीज़ बता रहा हूँ फॉर दी बायो, राइट. सो मूविंग ऑन टू दी फिजिक्स. फिजिक्स के लिए तुमको कौन कौन सा बुक्स फॉलो करना है, देखो फॉर दी फिजिक्स अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ने जाओगे पूरा चीज़ तुमको समझ में नहीं आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा फ्रैंकली स्पीकिंग, राइट. सो अगर तुम कोई भी ऑफलाइन ट्यूशन में पढ़ रहे हो या ऑनलाइन किसी से भी पढ़ रहे हो, ठीक है, यू कैन रेफर देयर नोट्स. वो चीज़ बेस्ट रहेगा कि तुम कोई भी नोट्स से पढ़ो, पूरा चीज़ अच्छे से समझ में आ पाएगा. एंड फॉर दी एमसीक्यू पर्पस यू कैन गो फॉर दी दिनेश. ठीक है, दिनेश कर सकते हो, SC वर्मा कर सकते हो, लेकिन थोड़ा बाद में, वो अभी नहीं है. अभी के लिए तुम फिंगर टिप्स या दिनेश करो, उसके साथ जो मॉड्यूल्स एंड TPPs रहता है वो चीज़ करो, वो मोर देन इनफ है. ठीक है, एंड लास्ट में जाके चाहो तो PYQs कर सकते हो, वो करना ही है लेकिन अभी नहीं, लास्ट में जाके, राइट. मैं बेसिक ये बता दिया कौन कौन से चीज़ से तुमको कहाँ से चीज़ करना है, राइट. एंड फॉर दी केमिस्ट्री, देखो केमिस्ट्री में तीन ब्लॉक्स है, वो है तुम्हारा ऑर्गेनिक, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक. ठीक है, तो फर्स्टली वी टॉक अबाउट द इनऑर्गेनिक. देखो इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी में जो चीज़ है तुमको वो पूरा ऐसे घोल के पी जाना है. ठीक है, एनसीईआरटी इज सफिशिएंट फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है, जो है उसमें वो सिर्फ करना है, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, वहाँ पे जो है इनफ है. टॉक अबाउट दी फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी में जो फॉर्मूलाज दिया हुआ है दैट्स मोर देन सफिशिएंट अलॉन्ग विथ योर ट्यूशन नोट्स. ठीक है, मैं एमसीक्यू के पार्ट में आ रहा हूँ, उससे पहले ये चीज़ तुमको फर्स्ट ऑफ ऑल बता दे रहा हूँ. ओके, एंड थर्डली जो है तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. फॉर दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारा जो कंसेप्ट वो क्लियर होना मैंडेटरी है. अगर तुम वो चीज़ को रटने जाओगे कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आएगा. सो इट्स बेटर फर्स्ट ऑफ ऑल ट्यूशन से अच्छे से समझो, कोई जहाँ से तुम पढ़ रहे हो उसके साथ जो एनसीईआरटी में नेम रिएक्शंस दिया हुआ है उसको कॉपी में लिस्ट डाउन कर लो एंड डेली उसको रिवाइज करते जाओ एंड उसके रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करते जाओ. ओके, अब बात आती है कि कहाँ से तुमको केमिस्ट्री के लिए एमसीक्यू करना है. फॉर द एमसीक्यू पर्पस यू कैन रेफर टू एनसीईआरटी फिंगर टिप्स। मैं एनसीईआरटी फिंगर टिप्स बार बार बता रहा हूँ, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ठीक है। तुम देख लेना कोई सा भी बुक तुम चाहो तो कर सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी फिंगर टिप्स मेरे को बहुत अच्छा लगता है अलॉन्ग विद आर्यहंत, ठीक है। लेकिन उसके साथ तुमको केमिस्ट्री में एक चीज़ मैंडेटरी करना है, वो चीज़ है तुम्हारा इनटेक्स्ट क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज, ठीक है। ये तीन चीज़ अगर तुम मिस करोगे केमिस्ट्री के अंदर तो बहुत बड़ा गलती कर दोगे, ठीक है। ये किसी हालत में तुमको मिस नहीं करना है, ओके। ये सब होने के बाद लास्ट में जाके तुमको PYQs करना ही करना है, राइट। तो ओवरऑल मैंने बता दिया कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो का सिलेबस क्या है, ठीक है, कौन कौन से बुक्स तुम रेफर कर सकते हो एंड कैसे। तुमको डिटेल्ड सब्जेक्ट वाइज बताऊँगा कैसे प्रोसीड करना है, ठीक है, कैसे टेस्ट वगैरह सब कुछ। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो आएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। अगर कुछ भी क्वेरीज रहता है अभी तक तो मेक श्योर टू कमेंट डाउन बिलो, आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई दैट आउट, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे, टाटा।